स्टार्ट हो गया। अब जाके फैशन रिलीज करा गार्ड्स। हमारे CRPF जवानों ने चैनपुली को वापस टिकट दिया है, ट्रेन चल पड़ी वापस हमारी। और मैंने सुना भी है, यूट्यूब पे देखा भी है, बिहार साइड जितनी भी ट्रेनें जाती है चैन पुलिंग बहुत होती है यार, साइड चैन पुलिंग बहुत होती है। ये हमारे लोकोमोटिव, हमारे ट्रेन के नहीं है, अदर ट्रेन के हैं। वो है नई दिल्ली प्रयागराज जंक्शन, हमसफर एक्सप्रेस सामने खड़ी है, नई दिल्ली प्रयागराज जंक्शन। और अब अगला स्टॉप है इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको हम पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से भी जाना जाते हैं, बट उसका नाम रिप्लेस करके अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। आई थिंक 2019 ये भी 2020 में रखा गया है। और वहाँ पहुँचने की इसकी टाइमिंग है फ़िलहाल के लिए, जो उसकी एक्चुअल टाइमिंग थी वो थी 11 बजे, बट फ़िलहाल के लिए 1 घंटा लेट चल रही है। तो सॉरी, इसकी जो एक्चुअल टाइमिंग थी वो थी 10 बजे दीनदयाल उपाध्याय पहुँचने की, और अभी तो फ़िलहाल 1 घंटा लेट चल रही है। तो अभी हम अनुमान लगा सकते हैं 11 बजे पहुंचने का, बट लेट्स सी कवर करती है, कुछ तो कवर करेगी, 10-15 मिनट कुछ तो कवर करेगी आगे, अगर सिग्नल मिला तो, नहीं मिला तो फिर ये लेट ही चलती जाएगी, लेट ही चलेगी। वॉशरूम देखना चाहता हूँ क्या हालत है वॉशरूम का, वैसे मैं दिखाना तो नहीं चाहता यार, मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। ऐसा वॉशरूम का हाल है भाई, जब साउथ लाइन रेलवे में ऐसी थोड़ी बहुत हालत होती है तो इस रूट पे कैसी हालत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। खासकर जो बिहार साइड ट्रेन होती है, नई नई ट्रेनों की 1 हफ्ते में उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो मिलते हैं बीच में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जिसको हम पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना करते थे। और ये अपने टाइम से यहाँ पे 12 मिनट लेट पहुँची है। जब ये ट्रेन प्रयागराज पहुँची थी तब ये 50 मिनट लेट थी, बट इसने काफ़ी कवर करा। यहाँ पे आते आते मुगल सराय आते आते काफ़ी कवर कर लिया है पंडित दीन दयाल उपाध्याय। यहाँ पे सिर्फ 12 मिनट लेट है ट्रेन। और ये सामने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। अभी प्लेटफॉर्म काफ़ी दूर आने वाले हैं। और धूप यार बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे। ये आप धूप देख सकते हो, ये जो है ना, ये बहुत गर्म है, बहुत। तो उसके बाद उसके आगे कौन सा, पानी भी ख़त्म है, पानी भी बाहर से खरीद रहे हैं, तो पानी खरीदेंगे। अभी प्लेटफॉर्म आता है, फिर मैं दिखाता हूँ कैमरा ऑन करके आपको। अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। यहाँ पे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसका मतलब लाइन यहाँ पे बहुत जगह के लिए यहाँ पे लाइन कट रही है। काफ़ी अलग अलग लाइन कट रही है यहाँ पे, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। आप देख सकते हो इस साइड भी ट्रैक ज़्यादा है यहाँ पे, और उस साइड भी ट्रैक है। तो काफ़ी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। धूप में हमारे लिए काम करते हुए वर्कर्स, उनको दिल से सलाम, सैल्यूट है। सर जी, अपने यूपी में कुछ ऐसे बंदे हैं कि ठग रहे हैं, पैसे ले लेके मार्कशीट बना रहे हैं। थोड़ा इसमें बोलो, जगह पता मैं बताऊँ। जो पहला प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हमसफर कोच, दरगाह पीर बाबा मंदिर। जब मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ तब बहुत छोटा था, पापा के साथ आया था यहाँ पे, बहुत छोटा था तब। इसका नाम हुआ करता था मुगल सराय जंक्शन। अभी ये पंडित दीन दयाल उपाध्याय। तो ये अपने टाइम से 10-15 मिनट लेट है। इसका टाइम था 10:52 पे पहुंचने का, अभी 11:05 हो रहे हैं। प्यास लगी है, पहले पानी बाई करूँगा। पता है क्या, ट्रेन के अंदर पानी का बोतल जो है वो 20 रुपये का भी देते हैं, और बाहर जो है 15 रुपये का है। तो मैं बाहर से पानी बाई करता हूँ और देखता हूँ कुछ खाने पीने का बढ़िया मिलेगा तो खा लेंगे। ये कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है अंदर से, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, आई एम सॉरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं कोच से काफ़ी दूर आ रहा हूँ, अपने जो मेरा डब्बा है उससे काफ़ी दूर आ रहा हूँ पानी लेने के लिए। अभी है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे है पानी बोतल। एक पानी बोतल लेना, 5 रुपये खुल्ला, वो 5 रुपये खुले। कैसी है 1 किलो? कैसी है? 1 किलो 70। हाँ, 1 किलो 70 रुपये। 1 किलो 70 रुपये। आगे चलते हैं, आगे 60 रुपये का बोल रहे हैं, यहाँ पे 70 रुपये बोल रही है। 150 रुपये का 1.5 किलो। क्या करें, लेना है तो लेना पड़ेगा ना। अंगूर कैसे है? मीठा है, एक चक्कू खा दीजिए, ½ किलो कर दो। मेरा दिख रहा है, ये मेरा दिख रहा है, ½ किलो। कितना? 30 रुपये। ये लो। तो एक बॉटल पानी और ये आधा किलो अंगूर लिए हैं इस गर्मी में। फ़िलहाल के लिए यही खा के काम चला रहा हूँ और कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, और धूप भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यार क्या भी कर दूँ, बिस्कुट विस्कुट सब रखे ही तो हैं बैग में, खाने का मन ही नहीं कर रहा इस गर्मी में। इस गर्मी में जितनी ठंडी चीज़ें खाओ ना उतना फ़ायदा है। अपन ये अंगूर और ये पानी बस यही खरीद के अंदर चलती है। सीट के पास रख देते हैं सर। गरम गरम सादा है ना? हाँ कैसे गरम खा रहा सर, गरम गरम 130 रुपये 120 120 क्या है इसमें खाने? सादे में दाल सब्जी रोटी। दाल सब्जी रोटी ले लो ना, दे देता हूं, ले लो। नहीं नहीं है मेरे पास, मन नहीं कर रहा ना, मन नहीं कर रहा ना। नहीं चाहिए तो ले आएंगे। और ये 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से। डिपार्चर हो रहा है हमारा। अभी जो गाड़ी अपने टाइम से हो चुकी है बस, अरे भाई बस 10-15 मिनट लेट चल रही है। होपफुली आगे सब कवर हो जाए। ये हर बार यही हो रहा है, प्रयागराज में भी यही हुआ था, कानपुर में भी यही हुआ था। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है तो बीच में एक बार ज़रूर रुक जा रही है। देखो ये दोबारा रुक गई। तो ये लगभग हर स्टेशन पे यही हो रहा है। 11-16 हो रहा है। अच्छा यहाँ के अंगूर थोड़े मोटे मोटे इसलिए ले लिया, और अंदर बीज भी है। अभी 2 ही खाए हैं, अभी रखा है, 2 के फिर उसे खाऊंगा अच्छे से। डीजल के लिए यहाँ पे वो डीजल है, डीजल टैंक। लोकोमोटिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाय बाय। यहाँ की लोकल ट्रेन। मैं यहाँ वालों को बहुत अधिकतर देख रहा हूँ, चलती ट्रेन में उतरने का बहुत शौक है। अधिकतर लोगों को देखा है यहाँ पे चलती ट्रेनें में उतरते हुए, अधिकतर लोग। तो यही था आप लोगों का पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, और ये स्टेशन पे आई और स्टेशन से हम निकल भी गए। अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो है पाटलिपुत्र। उसकी जो टाइमिंग, एक्चुअल टाइमिंग है वो है 2:55 और अभी 15 मिनट लेट है, तो आप ये लगा सकते हो 3:10 की टाइमिंग अभी चल रही है। अब आगे देखते हैं कितना लेट होती है या टाइम से पहुँचती है, वो तो आगे पता चलेगा। मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा इसका, कितनी लेट चल रही है। और तो अभी अगला स्टॉप है इसका पाटलिपुत्र। एक बार और देख लो दोस्त। यहाँ पे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा है, जो ट्रैक्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक है, वहाँ तक फैला हुआ ट्रैक्स। ये देखो चलती ट्रेनों में चढ़ेंगे पीछे पीछे। ये देखो, अरे आराम से भाई। अरे 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 ये भाई, ये राम, ये देख रहे हो कैसे चढ़ रही है, गिरते गिरते बच्चा। ये यार जब ट्रेन खड़ी थी तब ये क्या कर रहे थे, मेले में गए थे क्या? तब नहीं चढ़ पाते ये। तो मिलते हैं आपसे आगे, मैं आगे अपडेट देता हूँ आपको। अभी के लिए जाता हूँ, अंगूर धोता हूँ और अंगूर खाता हूँ। मिलते हैं आगे। अभी हम पहुँचे हैं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर। इसकी एक्चुअल टाइम थी यहाँ पे 1:55 और यहाँ पहुँची है 2:05 पे, मतलब 10 मिनट लेट पहुँची है अपने टाइम से। हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है सामने और ये पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, अंदर जाता हूँ, अंदर फटाफट। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, तो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, फिर फटाफट अंदर चलता हूँ। यह है मेरा कोच S3। हाँ भैया एक और ठंडा में क्या, ठंडा में एक 40 वाला दे, 50 रुपये एक दिखाना, एक कोको कोला दिखाना। हैप्पी फीस है, 50 रुपये नहीं, हैप्पी फीस है, हैप्पी फीस है, हैप्पी फीस नहीं दिखा, कोको कोला दिखाना। हाँ दे रहा हूँ, 40 लिखा है इस पे। हेलो भैया 40 लिखा है इस पे, 50 की मांग रहे हो। 40 रुपये लिखा हुआ है इस पे और 50 रुपये मांग रहे हैं। गर्मी का फायदा, अभी देखते कितना रहता है। हेलो ये 40 का है ना, कितना कह दिया, 40 लिखा हुआ है इस पे। अरे जी 40 लिखा हुआ है, छोटा तो ये होता है कैमरे का पावर। कैमरा देख के 40 में दे दिया, सबको 50 में दे रहे हैं, यही मिला। हाँ और मैं जब कैमरा दिखाया ना तो 40 में दिया, ये होता है पावर। तो देख रहे हो भैया कैमरे का फायदा, कैमरा देख के मुझे 40 का दिया, वैसे सबको 50 का दे रहा है कोको कोला। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये कुछ ऐसा आपका नज़ारा है। चलते अंदर, ये जाने वाले कि आने वाले भाई साहब, क्या हालत कर दी इसकी। यहाँ पे गार्ड ने देख लिया, रोक दिया। पाटलिपुत्र से हम लगभग, पता है बिहार है, हाथ से झटका मार देगा सीधा, नगद पैसे देगा, नगद देगा। तो यहाँ पे कैमरा चेंज, कैमरा के साथ हमारे गर्दन में